नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कासगंज के सनौजी में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा आज, फिरोजाबाद में भी दो चुनावी सभाएं। कासगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा तीर्थ नगरी सनौजी के मेला मार्गशीर्ष ग्राउंड में होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह 11:15 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे, यहां से कार से सभा स्थल पहुंचेंगे। मेला ग्राउंड में मुख्यमंत्री की सभा की तैयारियां देर शाम तक चलती रही। मैदान के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरोंजी में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा को लेकर लोग उत्साहित है। 2.5 माह पूर्व मुख्यमंत्री ने सरोंजी को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। सभा स्थल पर सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचने लगे हैं। कचरा गेट स्थित 12 पत्थर, कासगंज रोड पर बिजली घर के समीप लहरा रोड पर नुमाइश ग्राउंड में वाहन की पार्किंगों की व्यवस्था की गई है, जिससे राजमार्ग पर यातायात में कोई रुकावट न आए। रेल यात्रियों के लिए सफर अब और भी आसान, QR कोड स्कैन कर खरीद सकेंगे ट्रेन टिकट। भारतीय रेल ने अपने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए अब यात्री QR कोड और UPI पेमेंट के माध्यम से ट्रेन टिकट खरीद पाएंगे। लेकिन ये सुविधा सिर्फ ऐसे स्टेशन पर होगी जहां ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM की सुविधा पहले से मौजूद है। ऐसी मशीन ATM की तरह होती है। पहले इनके उपयोग से यात्री केवल लोकल या प्लेटफॉर्म टिकट निकाल पाते थे, लेकिन अब इनकी मदद से लंबी यात्रा के लिए भी टिकट निकाले जा सकेंगे। इसके लिए दक्षिण रेलवे, साउथ रेलवे कुछ सुधार कर रहे हैं। www.irctchelp.in द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे के द्वारा ATVM की सहायता से प्लेटफॉर्म टिकट के साथ साथ यात्रा के लिए टिकट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। टिकट के लिए अब यात्रियों को QR कोड को स्कैन करना होगा और UPI के जरिए इसकी पेमेंट की जा सकती है। बढ़ती ऑनलाइन सर्विसेज को देखते हुए रेलवे ने भी यात्रियों के लिए ये सुविधा दी है। इस बैंक में निकली वैकेंसी पर आवेदन करने का आखिरी मौका आज, जल्द करें अप्लाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। बैंक ने FLCC इंचार्ज अरिंदर चौकीदार सह माली और ऑफिस असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी यानी आज ही तक आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती में विभिन्न रिक्तियों की पेशकश की गई थी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष के बीच तय की गई है। अखिलेश यादव बोले, दो चरणों में जनता ने सीएम योगी की गर्मी निकाल दी, तीसरे चरण में। समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन दो चरण में जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी और अब तीसरे चरण में बुंदेलखंड के लोग उन्हें ठंडा कर देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सपा प्रमुख सोमवार को बुंदेलखंड दौरे पर निकले। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने इस दौरान झांसी के खैर इंटर कॉलेज हमीरपुर में ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज और रहमानिया इंटर कॉलेज मोहदा और महोबा के डाक बंगले के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं कब से हो सकती है शुरू, कितना मार्क्स प्राप्त कर छात्र करते हैं इस पर टॉप जाने। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। राज्य में इस साल आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 28 लाख छात्र 10वीं की परीक्षा तो वहीं 24 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में हिस्सा लेंगे। UPMSP ने अभी तक बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट तो नहीं जारी किया, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में इस साल बोर्ड परीक्षा मार्च के अंत में शुरू हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2021 में कोरोना महामारी की वजह से बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। राज्य में 2020 में आयोजित की गई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बागपत की रिया जैन ने 96.67% मार्क्स लाकर पूरे राज्य में टॉप किया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने लॉन्च किया मिशन यूपी, निशाने पर बीजेपी। किसान संगठनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मिशन यूपी लॉन्च कर दिया है। इस मिशन की किसान संगठनों ने अगुआ महीने से तैयारी कर रहे थे। इस चुनावी अभियान से भाजपा नेता और समर्थक खफा है, क्योंकि किसान आंदोलनकारियों ने इसे यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा का विरोध करने के लिए शुरू किया था। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान नेताओं ने कहा है कि उन्होंने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का विश्लेषण किया है, उसमें उन्हें किसानों के हित में कुछ खास नहीं मिला। सत्तारूढ़ दल ने 5 साल पहले किए गए अधूरे वादों को ही दोहराया है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने शुरू की सुपरहिट पेंशन स्कीम, मिलेंगे 1.1 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर है, अब 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने पीएम वय वंदना योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आप सालाना 1,11,000 रुपए तक पेंशन पा सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बुजुर्गों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस अवधि में 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन अब इसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना से जुड़ने के लिए कम से कम उम्र 60 साल यानी 60 वर्ष या उससे अधिक के नागरिक इसमें निवेश कर सकते हैं। सोयाबीन, सरसों और मूंगफली तेल की कीमतों में तेजी, कच्चे पाम तेल में गिरावट। मलेशियाई बाजार में तेजी के बीच कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क
में कटौती से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हल्के तेलों की मांग बढ़ने से सोयाबीन सरसों और मूंगफली तेल की कीमतें मजबूत रही। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में जहां 1.75% की तेजी दर्ज की गई, वहीं शिकागो एक्सचेंज स्थिर स्तर पर है। उन्होंने बताया कि मलेशियाई बाजार में तेजी के बीच सरकार के कच्चे पाल तेल और सीमा शुल्क को 280 रुपए क्विंटल घटाने के निर्णय से खाद्य तेल उद्योग को राहत मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में मिलेगा एरियर, जानिए कितने रुपए मिलेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च के महीने में मोटी सैलरी मिलने वाली। बताया जा रहा है कि मार्च में 34% के हिसाब से महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा, यानी डीए में हुई 3% की बढ़ोतरी मार्च से सैलरी में आने लगेगी। साथ ही 2 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि 34% महंगाई भत्ता जनवरी 2022 से बन रहा है, इसलिए जनवरी और फरवरी का एरियर भी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो जाएगा। यूपी में कड़ाके की ठंड से मिली राहत, लेकिन जारी रहेगा हल्का कोहरा, जाने लखनऊ का मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय तक हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ी है। पिछले कई हफ्तों गलन वाली सर्दी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम खुल रहा है। दोपहर के समय धूप निकल रही है, जिससे जनता को राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम काफी खुशनुमा हो गया है, हालांकि सुबह और रात के समय ठंड और कोहरा पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें।